पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया है और यहाँ पे फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर की वैकेंसी है। यहाँ पे लगभग 97 वैकेंसीज है और यहाँ पे सैलरी आपको 23,000 से लेकर 1,20,000 तक मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है और यहाँ पे बी बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। अगर आप बी बीटेक वाले या फिर डिप्लोमा वाले हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पता चल जाए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि जो भी एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूँगा। अगर आप गेट 2022 या फिर गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए अन अकेडमी लेके आ रही प्रिपरेशन बैचेस फॉर गेट 2022 और गेट 2023। तो ये जो बैचेस है वो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए होने वाले हैं, कंप्यूटर और आईटी के लिए होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल के बैचेस यहाँ पे अनाउंस कर दिए हैं। ये जो बैचेस है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं और यहाँ पे सिखाने वाले एजुकेटर आप स्क्रीन पे देख सकते हो जिनको 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलने वाला है जिससे आप अपने प्रिपरेशन के दौरान आने वाले डाउट क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा। अगर आप आज 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो अर्न अकेडमी पे तो इसके साथ साथ आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलने वाला है। मतलब 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में आपको 15 मंथ का बेनिफिट मिलने वाला है। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है, मतलब 28 अप्रैल के लिए वैलिड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जाके इसमें एनरोलमेंट कर लेना। तो इस बैचेस में एनरोलमेंट करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से एनरोलमेंट कर सकते हो। एनरोलमेंट करते समय आपको कोड यूज़ करना है जो कि है नोक्यूलेटर KNOWCULATUR, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप आज ही कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 मंथ का तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलने वाला है। अभी बात करते हैं पावर ग्रिड इंडिया ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है उसके बारे में। तो यहाँ पे फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर की वैकेंसी अवेलेबल है। तो क्या है ये वैकेंसी और आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में स्क्रीन पे जाके बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है और आपको अप्लाई करने की भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 26 अप्रैल से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 9 मई होने वाला है। ओके, सो अभी बात करते हैं इसके एप्लीकेशन डिटेल की। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एडवर्टाइजिंग पे, तो एडवर्टाइजिंग ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि एडवर्टाइजिंग में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो देखिए, पावर ग्रिड इंडिया तो महारत्न कंपनी है, सभी को पता है, पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का जॉब अवेलेबल है और ये जो जॉब है वो विदाउट गेट होने वाला है। यहाँ पे टेम्प्ररी और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चीज़ें होने वाली है। 24 मंथ का आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रहने वाला है और यहाँ पे बी बीटेक वाले एलिजिबल है और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी है, फील्ड इंजीनियर के इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसी है, इसका डिस्क्रिप्शन आप आगे देख सकते हो। फील्ड इंजीनियरिंग सिविल के लिए वैकेंसी है, टोटल 8 वैकेंसी है, इसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे 47 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करना। फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो 12 पोस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करना। आपने बी बी टेक किया है, आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले। तो अभी बात करते हैं फील्ड इंजीनियरिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 29 ईयर्स एज लिमिट है और अगर आपने बी बी टेक किया है या फिर बी एस सी इंजीनियरिंग की है इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको परसेंटेज क्राइटेरिया है जो है 55%। आपको यहाँ पे बी बी टेक में आपके 55% होने चाहिए एग्रीगेट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिसिप्लिन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते हैं। पावर सिस्टम वाले और पावर इंजीनियरिंग वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, तो एक साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक सा एक्सपीरियंस है, देखिए आपने कभी डिजाइन इंजीनियरिंग में वर्क किया है इलेक्ट्रिकल में या फिर टेस्टिंग और फिर कम्युनिकेशन में आपने वर्क किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पोस्ट है वहाँ पे फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर भी एज लिमिट की बात करें तो 29 ईयर्स एज लिमिट है। अगर आपने बी बी टेक या फिर बी एस सी इंजीनियरिंग की है सिविल में तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी 55% का क्राइटेरिया है, आपको बी में आपके 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर भी एक साल का एक्सपीरियंस की जरूरत है, मतलब डिजाइन इंजीनियरिंग में आपने वर्क किया है या फिर आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ वर्क किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे पास आउट स्टूडेंट के पास
सिविल का ये एक्सपीरियंस होगा ही होगा, तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करना अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए। पहले हमने बात की थी फील्ड इंजीनियर की, अभी हम बात करेंगे फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की। यहाँ पर भी एज लिमिट की बात करें तो 29 ईयर्स एज लिमिट है, बहुत अच्छी एज लिमिट है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का एज लिमिट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए भी परसेंटेज क्राइटेरिया है जो है 55%। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है, अगर आपने बीबीटेक किया है और आपने डिप्लोमा किया है या फिर नहीं किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब स्ट्रिक्टली डिप्लोमा जिन्होंने पास आउट किया है वो ही अप्लाई कर सकते हैं, आगे जाके आपने बीबीटेक किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम और पावर इंजीनियरिंग वाले, मतलब आपने डिप्लोमा इन ब्रांचेस से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए भी सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे कि आपके लिए भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन में कुछ एक्सपीरियंस है, टेस्टिंग या फिर कमीशन में एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स में आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट पोस्ट जो है फील्ड सुपरवाइजर की सिविल के लिए, यहाँ पे 29 ईयर्स एज लिमिट है। अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से और आपके पास 55% क्राइटेरिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर भी एलिजिबल है, अगर आपने बीबीटेक किया है, एमईएमटेक किया है और आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आपके पास अगर कंस्ट्रक्शन में, टेस्टिंग और कमीशन में या फिर सिविल वर्क में आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी की फील्ड इंजीनियरिंग की जो सैलरी रहेगी वो 30,000 से लेकर 1,20,000 तक होने वाली है, और जो फील्ड इंजीनियरिंग सुपरवाइजर की सैलरी है, डिप्लोमा स्टूडेंट की सैलरी है, वो रहेगी 23,000 से लेकर 1,05,000 तक। तो बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करना, क्योंकि इसके साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले, जैसे डीए, एचआरए, पर्क्स भी आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होने वाला है, एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होने वाला है। अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पहले बात करते हैं फील्ड इंजीनियरिंग के सिलेक्शन प्रोसेस की, उसके बाद हम बात करेंगे फील्ड सुपरवाइजर के सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस पूरा दिया गया है। तो यहाँ पे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट तो ऑप्शनल है, वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे, कितने एप्लीकेशन आते हैं उस पर यह डिपेंड करने वाला है। और ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो प्योरली एलिमिनेशन पर्पज के लिए यूज करने वाले हैं। और अगर समझिए यहाँ पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और वो आप क्वालिफाई करते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ेगा, अगर बहुत कम एप्लीकेशन आते हैं तो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपीयर करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ फील्ड सुपरवाइजर की, तो यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। ओके, एग्जाम के साथ साथ यहाँ पे इंटरव्यू भी हो सकता है, इंटरव्यू के यहाँ पे कुछ चीज़ें दी नहीं गई है बट इंटरव्यू यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे देखिए, पहले आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम का सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, जैसे डिप्लोमा के टेक्निकल सब्जेक्ट पे आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसके साथ साथ एप्टीट्यूड टेस्ट भी यहाँ पे होने वाला है 25 मार्क्स का, तो वो आपको क्वालिफाई करना है और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। तो टेस्ट देने के बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होने वाला है और रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़ सकते हो, ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हो। अभी बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे फील्ड इंजीनियरिंग के लिए 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फी है और फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फी है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं है। अभी बात करते हैं आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए, इस पेज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है जो मैंने पहले ही बता दी है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे 26 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 9 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पे पहले सिलेक्शन करना है जो आपका, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है, यहाँ पे सभी चीज़ें बेसिक डेटा ही आपका है, जो आपके क्वालिफिकेशन के डिटेल्स है, इसके साथ साथ बैंक डिटेल्स है वो आपको लगने वाले हैं, वो सभी डिटेल यहाँ पे मेंशन करने हैं। यहाँ पे टीए के लिए आपको एलिजिबल किया जाएगा, जिसके लिए आपको बैंक डिटेल्स भी देने हैं। तो इसके बाद कंटिन्यू करके आगे के फॉर्म फिलअप करना है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। तो यहाँ पे फील्ड इंजीनियरिंग और फील्ड सुपरवाइजर की वैकेंसी है, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।